Hello students, in this session we will continue with exercise 8.3, question number 2nd, sum number 1st, 1048, 1023, 1042, 1067, ये चारों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, ऐसा हमको प्रूव करके लेके आना है, ठीक है? तो first of all, what do we have is 10 theta is equal to cot 90 माइनस थीटा, वी डू हैव दिस फॉर्मूला, यस। हम एक काम करते हैं, इसमें थीटा की जगह 48 पुट कर देते हैं, सो वी कैन हैव 1048 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 48, सो फ्रॉम दिस 1048 इज इक्वल टू कॉट 90 में से 48 माइनस कर दो, यू विल गेट 42, यानी कि हम 1048 की जगह पे cot 42 जो है वो पुट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा की जगह पे 23 पुट कर देते हैं, सो वी हैव 1023 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 23, सो दैट विल बी 1023 इज इक्वल टू cot 67, यानी कि हम लोग 1023 की जगह पे cot 67 पुट कर देते हैं। लेट्स डू इट, सो आवर इक्वेशन विल बी लाइक cot 42 cot 67 1042 1067. Now we do have the formula cot theta is equal to 1 upon 10 theta, यानी कि cot theta into 10 theta करेंगे, cot theta into 10 theta is equal to हो जाएगा 1, यानी कि अगर theta same है तो cot मल्टीप्लाई 10 होता है 1। देखो cot मल्टीप्लाई 10 और थीटा जो है वो सेम है 42 42, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 1। सिमिलरली cot मल्टीप्लाई 10, थीटा सेम है 67 67, तो ये भी हो जाएगा 1, सो 1 इंटू 1 इज 1, हैंस प्रूव, क्लियर?